वेलकम फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ में साइंस के भाग में आपका स्वागत है। ये पार्ट दो है, पार्ट एक भी आप देखें उम्मीद करता हूँ। पेपर में हमारे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उसका जवाब कैसे देना चाहिए, उसके लिए हम सटीक जानकारी दे रहे हैं आपको। पहला प्रश्न जैसे हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है, जैसे आता है कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस विच हैज यूनिट इज मीटर। कह रहा है कि पेपर में जो ग्राफ दिए जाते हैं वेलोसिटी और टाइम के, और उसके अंदर जो हम कर्व खींचते हैं, उस कर्व के अंदर का जो नीचे का एरिया होता है, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसे क्या कहते हैं? वो आपका ना डिस्टेंस कहते हैं उसे, वो डिस्टेंस की जानकारी देता है। यानी कोई ऐसा ग्राफ जिसके अंदर यहाँ टाइम हो और यहाँ वेलोसिटी हो और वहाँ पर कोई लाइन खींची गई हो, तो उस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या शो करता है? वो डिस्टेंस यानी वस्तु द्वारा तय की गई डिस्टेंस यानी दूरी को कवर करता है। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, वेलोसिटी का ऐसे ही मात्रक आपको ध्यान देना है, मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम का ऐसे ही मात्रक सेकेंड होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है कंडक्टिव टिश्यू। प्लांट में कौन कौन से कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी पेड़ पौधों में कौन से संयोजी ऊतक होते हैं? तो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पेड़ पौधों में कनेक्टिव टिश्यू के क्या नाम होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होते हैं वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं जड़ों से पेड़ पौधों के सभी भागों तक, और जो फ्लोएम होते हैं पत्ते में बने भोजन को शरीर के सभी भागों तक भोजन पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। फिर एक पेपर में आता है कि जिंक क्लोराइड का एटॉमिक मास बताओ। तो आपको पता होना चाहिए जो जिंक है और क्लोराइड है, इसमें जिंक का एटॉमिक मास 66 होता है, क्लोराइड का 35.5 होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 35.5 में डबल मल्टीप्लाई होगा, तो जब 35.5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 71 आएगा, उस 71 में 66 को ऐड कर देंगे तो 137 यूनिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर में आता है कि जो ग्राफ है और इसके अंदर डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, वाई एक्स पर और एक्स एक्स पर टाइम लिखा है, तो फिर पेपर में आता है कि इसी ग्राफ जो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये किस चीज़ को शो करता है? तो ये वस्तु के विराम अवस्था में होने को शो करता है, यानी रेस्ट में होने को शो करता है। एक मोल में कितने आयंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, एटम या मोलिकल्स होते हैं? तो आपको याद रखना है एक मोल में 6.022 × 10³ आयन होते हैं। इस संख्या को क्या कहा जाता है? तो इस संख्या को अवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अवोगाद्रो नाम के व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था। गार्ड सेल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है? गार्ड सेल जो होते हैं पेड़ पौधों में पत्तियों के निचले सतह स्टोमाटा यानी रंध्र में पाए जाते हैं। इन गार्ड सेल का क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो इस रंध्र को यानी स्टोमाटा के छेद को खोलना और बंद करना इसका काम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट ए वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, दिस एड्स इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर मैकेनिकल इंजरी। कह रहा है कि पेड़ पौधों के वायवीय भागों में एपिडर्मल नाम का सेल होता है जो पेड़ पौधों को ऊपर मोम जैसी परत होती है, और ये जल का प्रतिरोधक होता है। ये न पेड़ पौधों में होने वाली जल की हानि को भी रोकता है और कोई भी आंतरिक चोट लगने पर उसकी रक्षा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेड़ पौधों के जो सबसे ऊपर जो मोम जैसी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे एपिडर्मल सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है काइनेटिक एनर्जी का, यानी ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 V का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमको मतलब मास है वस्तु का, V का मतलब वस्तु की वेलोसिटी है। ई पी का फॉर्मूला याद रखना है m·gn·h होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मान यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 लेना होता है। ठीक है, और h होता है हाइट या वस्तु के द्वारा तय की गई डिस्टेंस होता है। ठीक है, पेपर में सवाल कई बार पूछा गया है कि 512 हर्ट्ज की कोई एक फ्रिक्वेंसी है और उसकी अंदर हवा की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु जो है वस्तु की जो वेवलेंथ बतानी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला था आपका स्पीड ऑफ साउंड का कि वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी,
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पीड स्पीड को हम भाग दे देंगे, यानी हम 340 को फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज से डिवाइड दे देंगे, तो ये आपका वेवलेंथ की लंबाई आ जाएगा 0.66 मीटर। फिर पेपर में आता है कि पदार्थ के कणों के गुण बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, यानी पदार्थ के कणों के गुण बताना है। तो आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा कि पदार्थ के कणों के कितने सारे गुण होते हैं। पहला है कि जैसे पदार्थ के कण जो होते हैं लगातार गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता। पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है ना। पदार्थ जो होते हैं स्थान घेरते हैं, पदार्थ में अपना आयतन होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं ये आपको याद कर लेना है, पदार्थ के कणों के क्या गुण होते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, पदार्थ जो होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है इसीलिए उसके अंदर दूसरी चीज़ें घुल जाती हैं, विसरित हो जाती हैं। पदार्थ को हम संपीड़ित कर सकते हैं, जब उनके बीच में खाली स्थान होता है तो उन्हें संपीड़ित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो, आपको याद करना है कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। तो ये आपका वो उसका फॉर्मूला है, संवेग संरक्षण का नियम, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसमें हम पढ़े थे कि दो वस्तुओं के टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। अगला है कि मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इस इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का जो मास होता है उसी के माप को किलोग्राम में इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का इनर्शिया ज़्यादा है तो यानी मास ज़्यादा है, या कह लो किसी वस्तु का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। फिर हमें याद करना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो याद रखना है 344 मीटर पर सेकंड होती है। अगर आ जाए प्रकाश में, वायु की चाल, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, तो 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है, याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक सॉलिड होता है, सॉलिड में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो 6420 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पीड का फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक्सीलरेशन का फार्मूला, त्वरण का फार्मूला v-u/t होता है, यानी वेग में परिवर्तन बटे में दर होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बल का फार्मूला होता है F(m·a) यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। पावर का फार्मूला याद रखना है, पावर का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुना में वेग। और ये फिर आपको न्यूटन के गति के तीन समीकरण याद रखना है, v=u+at, s=ut+½at² और v²-u²2as। वेलोसिटी का फार्मूला आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है। वर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है g·m1·m2/d²। जो d क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस होता है, और m1 m2 क्या होता है, दो वस्तुओं के मास का प्रोडक्ट होता है। और जी जो होता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्व स्थिरांक। इसका मान हर जगह स्थिर रहता है, और इसका मान 6.67×10^-11 N·m²/kg² होता है, ठीक है। तो शायद हम बहुत तेज बता रहे हैं, आप वीडियो को अगर तेज है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, कि हम धीरे बताएं आपको, ठीक है। पेपर में आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या काम करता है, तो इट प्रोड्यूस एनर्जी, ये ऊर्जा बनाता है। ये जो ऊर्जा बनाता है उसे एनर्जी ऑफ करेंट्स कहते हैं, यानी ऊर्जा के सिक्के एटीपी के रूप में बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंथेसाइज लिपिड एंड प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, तो स्टोरेज पैकेजिंग एंड डिस्पैच वेरियस सब्सटेंस, ये बहुत सारे पदार्थ जिसमें प्रोटीन भी शामिल है को स्टोरेज पैकेज और डिस्पैच करने का काम करता है। लाइसोसोम क्या होते हैं, डाइजेस्टिव इंटरसेलुलर सब्सटेंस, बहुत ही पाचक आंतरिक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पाचक पदार्थ होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन को संश्लेषण का काम करते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोवाइड ट्रेजिडिटी एंड स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस ऑर्गन सिस्टम, पेड़ पौधों को मजबूती देना और बहुत सारे पदार्थों को भंडारण करने का काम वैक्यूल्स में होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं यानी रिक्तिका, पेड़ पौधों में बड़ी होती है और जंतुओं में छोटी होती है, याद रखना है।
फिर मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले ही कि लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी मैंने अभी आपको बताया था लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक आपको याद रखना है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉय, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान या परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसे लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको कमेंट में उस प्रश्न के मतलब जवाब देना है। अगर आपने हमारी वीडियो मतलब आराम से सुनी है और थोड़ा बहुत समझा है, तो अब हम उससे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो आपको मतलब बताना है कमेंट में। उम्मीद करते हैं कि आप वो जो प्रश्न है उसका उत्तर जल्दी ही दे पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न है उबलते हुए जल का तापमान केल्विन में कितना होता है। ठीक है, उबलते हुए जल का केल्विन में तापमान कितना होता है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि जो मतलब हाँ फिर बताना है कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है तो ये आपको बताना है। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके दो प्रश्न थे जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है।